भागलपुर गोड्डा के बीजेपी विधायक अमित मंडल के ऊपर अपराधियों ने हमला किया। विधायक तिलका मांझी स्थित अपने आवास के बाहर टहल रहे थे। इसी बीच दो अज्ञात अपराधियों द्वारा उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें विधायक के हाथ और पेट के पास नुकीले हथियार से अपराधियों ने घायल कर दिया, जिसके बाद विधायक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज कर उन्हें वापस घर भेज दिया। उनका कहना है गोड्डा में उन्हें धमकी मिली, वहीं एक बार बालू माफियाओं द्वारा उनकी गाड़ी पर हमला भी किया जा चुका है, जिसको लेकर गोड्डा में मामला भी दर्ज कराया गया। वहीं विधायक हमले के पीछे बालू माफिया राजनीतिक कारण की ओर भी इशारा कर रही हैं। वहीं राज्य लोगों ने कारण में सिर्फ एक बॉडीगार्ड उनके साथ था, जो घटना के समय सोया हुआ था। अचानक घटना घट गई, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। विधायक जी, क्या घटनाक्रम हुई, कैसे आपको चोट लगी है? देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं गोड्डा पगल के गोड्डा विधानसभा से विधायक हूँ, भाजपा का विधायक हूँ, और मेरी पैतृक आवास भागलपुर में है, तिलका मांझी स्थित। और गोड्डा में या भागलपुर में हम लोगों का कई तरह से देखा जाए तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी चलता है, और आपको पता होगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ तो काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र भी रहा है। तो अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, तो अभी कहा कुछ नहीं जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से थ्रेट परसेप्शन जो मेरे पे गोड्डा में हो या भागलपुर में हो लगातार आते रहा है। एक मुझे थ्रेट कॉल भी आया था गोड्डा में, जिसका बकायदा हम लोगों ने FIR भी कराया था, उसका भी उद्भेदन अभी तक से नहीं हो पाया है। तो मैं पीछे के रास्ते से फिर उनको पकड़ने के मकसद से गया कि आखिर माजरा क्या और वो घुस क्यों रहे थे। जैसे ही हम लोग वहाँ पर गए, उन्होंने तुरंत मुझे स्पॉट कर लिया कि मैं कौन हूँ, और धमकी के लहजे से उन्होंने कहा कि हम तुमको देख लेंगे। तो मैंने कहा कि कौन हो तुम, मैंने उससे क्वेश्चन पूछना चाहा, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो मांगना चाहा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके बॉडी के अंदर कुछ वो छुपाए हुए थे, या वेपन हो सकता है, या पिस्टल हो सकता है, या ईटा हो सकता है, पत्थर हो सकता है, वो तो जांच का विषय रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ उसके बॉडी के अंदर है, क्योंकि फ्लफी टाइप का लग रहा था। तो मैंने परहेज करते हुए मैंने दूर से ही उससे कोशिश किया कि उसको नैब करूँ, पकड़ूँ, लेकिन दौड़ते दौड़ते मुझे लगता है कि मेरे ग्रेड के आते आते क्रम में मैंने एक व्यक्ति को पकड़ा था, वो करीबन 5'8" का उसका फिगर होगा, स्लिम था, और मूछ रखा हुआ था, ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ था, और